आइए शुरू करते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन में आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने एट, ऑन और इन। ये बहुत बेसिक है, आपको एट ऑन इन बहुत ही बेसिक बात कर रहे हैं। देखिए एट का हम कब यूज करते हैं, जैसे हम एग्जैक्ट टाइम की अगर आप बात करें तो आप एट का यूज करते हैं एग्जैक्ट टाइम के लिए, बताने के लिए। बहुत ही आसान तरीके से आपको आगे बढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस बात को समझिए। आप जानते सब हैं लेकिन आज के बाद आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा एग्जैक्ट टाइम के लिए। जैसे कि मैं आपके सामने बोलता हूँ 8:03 PM, मैंने घड़ी का एग्जैक्ट समय बताया तो 8 का यूज किया। अगर मैं ऑन की बात करता हूँ तो आप एग्जैक्ट मतलब कि फिक्स जब आप डेट बताते हैं या फिक्स कोई भी डे बताते हैं तो डेट और डेज के लिए ऑन का यूज करते हो। जैसे कि आप बोलेंगे ऑन मंडे, बिल्कुल सही है कि एग्जैक्ट दिन की बात चल रही है। इसी प्रकार ऑन 24th January, बिल्कुल सही है। अगर इनकी बात करें आप तो इनका यूज करेंगे आप इन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन का मतलब है कि लंबी अवधि के लिए किसका यूज करते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन। जैसे कि मैंने बोल दिया इन 1984 ऐसे। अब जरा आप इनके यूजेस को समझते चलिए, आपके सामने रखता हूं। जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं कि आई वॉज बॉर्न, आप खुद बता देंगे 14th January, तो हमारे सामने ऑप्शन है 8:08 एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होता है, मतलब घड़ी का जो समय है, ये घड़ी का समय तो है नहीं, ये 14th January। तो आपने कहा ये तो डेट है, डेट के पहले क्या लगेगा, ऑन लगेगा, बड़ा आसान है, इनका यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आई वॉज बॉर्न 1997, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या लगेगा, इन, क्योंकि एक लंबी अवधि, तो यहाँ पर लग गया आपके सामने इन। तो इस प्रकार जैसे अब आगे बढ़ते हैं, तो मैंने बोला आई मेट हर संडे, कोई घड़ी का समय है नहीं तो एट नहीं लगेगा। संडे क्या है, दिन का नाम है, डेज है या फिर कोई डेट है, तो आपने कहा संडे, तो यहाँ पर लग जाएगा था ऑन, तो आपने क्या कहा 8 लगेगा एग्जैक्ट टाइम पर। टाइम से बड़ी होती है डेट, क्योंकि टाइम से मिलकर, घड़ी के समय से मिलकर दिन या डेट बनती है, ऑन लगेगा, इन लगेगा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं, अगर आपके सामने अब हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग की, मॉर्निंग के बाद आता है आपका आफ्टरनून, और आफ्टरनून के बाद अगर हम बात करें इवनिंग की, आप अगर इन लिखी हुई तीनों चीजों को ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, ये है पार्ट ऑफ डे, मतलब दिन के भाग क्या होते हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून। इन सब के साथ आप इनका यूज करते हैं, इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन इवनिंग। अगर मैं बात करता हूँ नाइट की, तो आप हमेशा बोलेंगे 8 night, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जबकि 8 night होता है। अब आपके बचते हैं कौन कौन से, जैसे आपने कहा नून, अब ये नून क्या है सर, ये पार्ट ऑफ डे नहीं है जी, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, नून मतलब 12 बजे का समय। इसी प्रकार अगर बात करें आधी रात की, तो ये भी क्या हो जाएगा मिडनाइट भी क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम। इन दोनों के पहले भी आप हमेशा 8 का यूज करेंगे, तो 8 midnight 8 noon, यहाँ पर भी 8 night का यूज होगा। तो आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा कि आई, आप देख पा रहे हैं इसको, चेक कर लेते हैं, आई मेट माय फ्रेंड ऑन संडे, ये बिल्कुल सही है। आप कहेंगे ये दिन का नाम है तो ऑन लगेगा। वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि आई मेट माय फ्रेंड इन मॉर्निंग, बिल्कुल सही है, मॉर्निंग है, मॉर्निंग के पहले क्या लगेगा, इन लगेगा, इन मॉर्निंग, एट मॉर्निंग नहीं होगा, आप याद रखेंगे। अगर इसी एग्जांपल को मैं ऐसे आपके सामने लिखता हूं कि आई मेट माय फ्रेंड
मंडे मॉर्निंग, तो आप क्या लगाने की कोशिश करेंगे? आपने कहा मंडे है तो ये तो दिन का नाम है ऑन लगेगा, और मॉर्निंग है तो इसके पहले क्या लगेगा। इन यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रपोजिशन अपने बाद में जस्ट बाद में आने वाले शब्द को देखकर लगती है, तो मंडे है तो क्या लग जाएगा, ऑन मंडे मॉर्निंग। हम इन नहीं लगाएंगे मॉर्निंग को देखते, ऑन मंडे मॉर्निंग हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीके से समझाने की मैंने आपको कोशिश की है इन एट और इंटी को। आइए अब थोड़ा सा डिटेल में इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तीनों को एक साथ देखता हूँ और फिर हम पूरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ मैं आपके सामने यहाँ पर लिख दे रहा हूं इन, और दूसरा हमारा है ऑन, उसके बाद है एट। अब इन का मतलब क्या होता है, मैं तो मैंने कहा इन मतलब इनसाइड समथिंग, इनसाइड समथिंग मतलब कि कोई भी चीज के अंदर जब दूसरी चीज होती है दैट इज कॉल्ड इनसाइड समथिंग। अब जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि इन इवनिंग, मैं उसी चीज को समराइज कर रहा हूँ, इन इवनिंग आपने बोला था, इन मॉर्निंग, और इसी प्रकार आपने बोला था आफ्टरनून, ऐसा हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने देखा था मंथ नेम के आगे भी क्या लगता है, इन लगेगा। सीजन के नेम के आगे भी क्या लगेगा, सीजन नेम इन लगेगा। ईयर का नेम, ईयर नेम आपने कहा इन लगेगा, इनके नीचे मैं लिखता जा रहा हूं उनको। रहने के सेंस में भी बड़े प्लेस, बिग प्लेस के आगे क्या लगता है, इन लगता है। अब आप ये जो है जो मैंने आपके सामने ये जो शब्द लिखे हैं आप इनको कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि पहले मैंने आपको ये क्यों पढ़ाया, इसके पहले ये इवनिंग मॉर्निंग आफ्टरनून मंथ नेम सीजन नेम ईयर नेम ये क्या है, लॉन्गर ड्यूरेशन ही तो है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला है, इसलिए हमने पहले देख लिया कि लॉन्गर ड्यूरेशन पहले इन लगेगा। अब अगर हम ऑन की बात करते हैं तो आपने कहा कि डेट या फिर डेज के पहले ऑन लगता है, डेट या डेज के पहले क्या लगता है, ऑन लगता है। अगर हम बात करते हैं फेस्टिवल की, जो मैंने आपके सामने यहां पर लिखा भी हुआ है फेस्टिवल नेम, इसमें हम मैक्सिमम देखते हैं कि ऑन प्लस फेस्टिवल हम कर देते हैं, ये कंफ्यूजन भी है स्टूडेंट का, जैसे कि ऑन दिवाली बोल दिया और सही भी लगता है बोलने में, उस चीज को मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। देखिए ऑन प्लस फेस्टिवल तब लिखा जाता है जब वो फेस्टिवल हमेशा एक ही डेट पर आता है, जो फेस्टिवल एक ही डेट पर आता है, जैसे कि आपने कहा क्रिसमस हमेशा 25 को आता है तो ऑन क्रिसमस तो सही है, लेकिन अगर आप बोलते हैं ऑन दिवाली तो ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिवाली की जो डेट है वो हमेशा फिक्स होती नहीं है, बस ये इतना सा है। ऑन फेस्टिवल मतलब, फेस्टिवल मतलब कोई भी त्योहार का नाम, कुछ भी लिखे कभी भी गलत इसीलिए नहीं माना जाता है, स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। आइए अब बात करते हैं एट की। एट का मतलब पर होता है, लेकिन अभी हमने क्या देखा कि एक तो घड़ी का टाइम एग्जैक्ट टाइम, उसके पहले क्या लगेगा, बिल्कुल जी एट लगेगा। एट कुछ और चीजों के लिए भी बहुत फेमस है, जैसे कि आइए जरा समझते हैं, जैसे स्माइल के बाद क्या लगता है, एट लगता है, स्माइल एट। लाफ के बाद क्या लगता है, एल ए लाफ, लाफ के बाद आप लगाएंगे एट। अमेज, अमेज के बाद आप लगाएंगे एट। इसी प्रकार आप सरप्राइज के बाद भी लगाएंगे क्या, एट। इस प्रकार की जो वर्ब है ये आप देख रहे हैं, वैसे तो प्रपोजिशन पहले लगती है, मैंने इन चारों एग्जांपल में बाद को लिखा है, दिस इज कॉल्ड प्रपोजिशनल फ्रेज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वी विल डिस्कस इट। आइए बात करते हैं आगे, अभी हमने देखा था एट नाइट होता है, टारगेट एम, एम के बाद भी एट लगता है आपको एम, एट। ये सारी चीजें आपको रिमेम्बर रखनी है कि इन इन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं, यहां तक उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। देख लीजिए एक बार इसको, आगे बढ़ता हूं,
वीडियोस मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ, जिनको मैंने पहले क्लासरूम में पढ़ाया है, तो आप समझते हैं मेरी बात को। किसी को पसंद आने ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पसंद आना चाहिए। जिनका कंटेंट मैं कवर नहीं कर पाया हूँ उनके लिए ये वीडियोस हैं। आइए अब बात करते हैं, कभी भी आप इन एट और ऑन जो हम पढ़ रहे हैं इनका यूज कब नहीं करेंगे, तो आप देखिए कभी भी लास्ट, नेक्स्ट, दिस और एवरी, जब ये शब्द आ जाते हैं, ये काफी पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, जब ये शब्द आ जाते हैं तो कभी भी इनके पहले इन, एट और ऑन नाम की प्रपोजिशन नहीं लगती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आई मेट हर ऑन लास्ट संडे, मैं उसको लास्ट संडे मिला, अगर आपने बोला लास्ट संडे तो ऑन बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है, संडे के पहले ऑन लग सकता था, लास्ट के पहले नहीं लगेगा, बस इतनी सी बात है। और एग्जांपल दे देता हूं मैं, वी वेंट फॉर मूवी इन दिस वीक, आप कहेंगे गलत हो गया, दिस लगा हुआ है, इनका यूज नहीं होगा, ये गलत है, इतनी सी बात है, बड़ी आसान बात है, आप याद रख सकते हैं इसको। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें करता हूं आगे की। अब मैंने जैसे आपको रहने के बारे में, प्लेस के बारे में, इन और एट के बारे में बताया, जैसे आई लिव इन भोपाल, बिल्कुल सही है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, आई लिव एट अशोका गार्डन इन भोपाल, आप ऐसे बोलेंगे, क्योंकि पहले जो प्लेस आता है वो छोटा आता है, इसलिए एट लगाएंगे उसके सामने, और बाद वाले के बाद क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। आगे बढ़ता हूं, अभी एग्जाम्पल रखते हैं हम आपके सामने, तो अब आप इनको सॉल्व करेंगे। एक और मैं आजकल जो एग्जाम में पूछा जा रहा है इन और ऑन के बारे में, मैं आपको क्लियर करता हूँ। आइए जरा, एक होता है आपके सामने ऑन टाइम, स्टूडेंट्स पूछते भी हैं, और दूसरा होता है आपके सामने इन टाइम, हम इसको और पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। ऑन टाइम और इन टाइम में क्या फर्क है, देखिए ऑन टाइम का मतलब होता है पंक्चुअल, मतलब नॉट लेट, लेट नहीं हो सकते, वो होता है ऑन टाइम, जबकि इन टाइम का मतलब है समय से पहले, समय से पहले लिख सकता हूं मैं, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं समय से पहले। आइए जरा इसको मैं एग्जैक्ट कैसे हम उसमें देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार को। देखिए ऑन टाइम का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि द ट्रेन डिपार्ट्स, या तो हो सकता है इन टाइम, यह हो सकता है ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब है ऑन एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि आपने कहा नॉट लेट और नॉट अर्ली, मतलब ना पहले ना बाद में, जबकि इन टाइम का मतलब है समय से पहले, मतलब ज्यादा पहले नहीं लेकिन समय पर। अब आपने कहा था ट्रेन, ट्रेन छूटती है कब, इन टाइम नहीं, समय से पहले कभी भी नहीं छूटती, ट्रेन छूटती है समय पर, मतलब उसका जो समय है। लेकिन अब सिचुएशन को समझिए आप, तभी इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस समझ पाएंगे। इन टाइम का मतलब है जब आप कहीं ट्रेन में बैठकर आप जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि जब ट्रेन आगे बढ़ेगी तभी आप जाकर ट्रेन में बैठेंगे, आप कोशिश करेंगे कि ट्रेन छूटने के एक या दो मिनट पहले आप जाकर ट्रेन में बोले, उसी अवधि को आप बोलने लगते हैं इन टाइम, समय पर तो है लेकिन समय से जस्ट पहले है, वही चीज हो जाती है इन टाइम, और ऑन नॉट लेट एग्जैक्ट उसी टाइम पर हो जाता है ऑन टाइम। तो जैसे मैंने कहा आई बोर्डेड the train in time, I hope she will come, I hope she will come in time, मतलब समय से थोड़ा सा
पहले, और ऑन टाइम की जब फंक्शन शुरू होगा तभी वो आएंगे, दिस इज कॉल्ड ऑन टाइम। तो ये होता है आपके सामने इन टाइम और ऑन टाइम। तो इस प्रकार की जब सिचुएशन आती है कि आई वोटेड दैट टाइम, तो ऑन टाइम नहीं बोलना, ऑन टाइम तो वो टाइम से चलेगी तब। तो इस प्रकार की बातें हैं। अब इन के बारे में अगर और बात करूं तो कुछ और एग्जांपल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए आपके सामने बात करता हूं। जैसे कि आई राइट इन रेड इंक, इन रेड इंक मतलब मैं लाल कलर की स्याही से लिखता हूं। तो देखिए आपने कहा रेड इंक के पहले भी क्या लगा है इन, इसके पीछे रीजन है। जब पहले लिखा जाता तो पहले क्या होता था आपका कि मोर पंख को स्याही में डुबोया जाता था, तो इसीलिए तभी उसी समय से इसके लिए इन लगता है कि आई राइट्स इन रेड इंक, मतलब मोरपंख लिया उसको रेड इंक में डुबोया और फिर उससे लिख रहे हैं, इसलिए इन रेड इंक ना कि विद रेड इंक, ये गलत माना जाएगा। अगर कोई इंसान ब्लाइंड है तो ही इज ब्लाइंड इन बन आई होता है, बाय नहीं लगेगा, इन बन आई मतलब एक आंख से अंधा। इसी प्रकार आप बन आई की जगह राइट आई लिख सकते हैं, लेफ्ट आई लिख सकते हैं, तब भी क्या लगेगा, इन लगेगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं, आइए शुरुआत करते हैं। ये रहे आपके सामने कुछ एग्जांपल। बी ऑलवेज अटेंड द क्लास मॉर्निंग, या तो इन ऑन या एट आप यूज करेंगे यहां पर। सी मेट मी लास्ट ईयर, इन एट ऑन या फिर नो प्रपोजिशन आपको यूज करना। दे कम हेयर नून आपको यूज करना है। सी कम्स हेयर फोर्टींथ जनवरी, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे फोर्टीन जनवरी। आपको लगाना है इन एट या ऑन का यूज करना है यहां पर भी आपको। इसी प्रकार देखता हूं और क्या पढ़ा है मैंने। संबंध knocked at my door night, यहां पर भी क्या लगेगा ये भी आपको सिलेक्ट करना है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम और आगे से बढ़ेंगे। ये याद रहे, ये प्रपोजिशन का सेकंड लेक्चर था। थैंक यू सो मच, आप इनको फिल करेंगे फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम आगे से।